हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं बात करने वाला हूं कि आप कैनन LVP 151 DW प्रिंटर में रेड लाइट एरर को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें जो है जब भी हम इसको ऑन करते हैं तो इसमें रेड लाइट आता है। दोस्तों, अगर आपको प्रिंटर को खोलने नहीं आता है या डिसेंबल करने नहीं आता है तो ऊपर आई बटन में लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप इसको खोलने या डिसेंबल करने को सीख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लीवर होता है, ये लीवर जब अंदर चला जाता है कभी कभी फंस जाता है, जिसके कारण भी ये रेड लाइट एरर आता है। तो आप इस लीवर को पहले चेक करें। आप देख सकते हैं इसमें जो है ये लीवर अंदर चला गया है, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं अभी दिखाई दे रहा होगा, इसको मैं पूरा बाहर निकालता हूँ। ये देख सकते हैं ये लीवर दोस्तों अंदर चला जाता है तो भी ये रेड लाइट एरर आएगा। एक्चुअली ये लीवर जो है वो स्कैनर के पास लगा हुआ रहता है, जिससे स्कैनिंग जो सेंस करता है उसको सेपरेट करता है ये। तो आप देख सकते हैं, मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ आपको। तो ये देख सकते हैं ये लीवर जो है ये यहाँ पे इस तरह से रहता है, बट ये ऊपर से कवर लगा रहता है, मैंने उसको निकाल दिया है। अगर ये लीवर अंदर चला जाएगा तो रेड लाइट एरर आएगा। और दूसरा है दोस्तों प्रॉब्लम, ये रेड लाइट एरर का आता है जो कॉमन आता है वो गियर सेक्शन से आता है। तो चलिए मैं इसको पहले खोल लेता हूँ। देख सकते हैं हमारा गियर सेक्शन जो है वो खुल चुका है। और इसको दोस्तों बहुत ही सावधानी से खोलना है, अगर नहीं आता है पहले तो आप एक काम करें, आप खोलते समय इसका वीडियो बना लें और उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा गियर कहां पे रहता है। अब चलिए मैं इसको खड़ा कर देता हूं और आपको फ्रंट में दिखाता हूं कि इसमें कहां पे प्रॉब्लम होता है। तो आप देख सकते हैं ये जो लीवर है दोस्तों, ये लीवर जो है यहाँ पे ये जो कार्ट्रिज लगा हुआ रहता है उसमें जाके फंसता है, जिससे जब आप कवर को ऊपर करते हैं तो ये ऊपर हो जाता है और कार्ट्रिज रिलीज हो जाता है और आप आसानी से कार्ट्रिज बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों इसमें यहाँ पे ये होता है कि ये जो है लीवर वो फंस जाता है। तो आप देख सकते हैं ये जो है ये पूरा गियर सेक्शन है इसका। ये देखिए दोस्तों, ये जो गियर है उसी में ये लीवर लगा हुआ रहता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों कि अच्छे से इसमें ग्रीस का यूज करना है और अच्छे से ग्रीसिंग कर देना है इसको। और ग्रीसिंग करने के बाद ऊपर में जो गियर लगा हुआ रहता है दोस्तों, उसको भी आपको प्रॉपर अप डाउन करके चेक कर लेना है कि ये प्रॉपर अप डाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये देख सकते हैं दोस्तों, अगर इसमें ये फंसेगा तो आपका वो रेड लाइट एरर आएगा, क्योंकि वो कार्ट्रिज को जब वो आप ऊपर करेंगे तो वो ऊपर ही नहीं होगा और ये कवर जो है हमारा ऊपर में ही लटका हुआ रहेगा, जिससे हमारा स्विच जो है वो काम नहीं करता है और जिसके कारण ये रेड लाइट एरर आता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने इस पे ग्रीसिंग कर दिया है।
अब इसमें देख सकते हैं दोस्तों, ये गियर लगा हुआ रहता है, तो ये सारे गियर को फिर से आपको वैसे ही लगा देना है और इसको फिर दोस्तों आपको क्या करना है, ऊपर से टाइट कर देना है। और दोस्तों इसको अच्छे से बैठा देना है और बैठाने के बाद इसको सारे स्क्रू को टाइट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं इसको प्रॉपर टाइट कर लेता हूँ, उसके बाद आप देख सकते हैं ये लीवर जो है ये पूरा प्रॉपर अप डाउन होना चाहिए। दोस्तों अगर ये लीवर प्रॉपर अप डाउन नहीं होगा तो भी आपका रेड लाइट ईरर आएगा। और दोस्तों ये सब कॉमन ईरर है जो हर इस मॉडल के प्रिंटर्स में आता ही आता है, प्रिंटर में सबसे ज़्यादा यही ईरर आता है। तो चलिए मैं अब इसको पूरी तरह से टाइट कर लेता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो रेड लाइट ईरर है वो ठीक हुआ कि नहीं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करें। तो आप देख सकते हैं हमारा प्रिंटर जो है टाइट हो गया है। अब चलिए आप देख सकते हैं इसमें अब ये बहुत ही आसानी से प्रिंट हो रहा है और ये हमारा एरर भी हट गया।